नागालैंड में जिस तरह से चुनाव हुई उसके बाद पर जडे और बीजेपी चुनाव जीते और वो वहाँ को सपोर्ट किया जिसके बाद जेडीयू ने नागा के नागालैंड के स्टेट कमेटी को रद्द कर दिया बिना सहमति के वहां उनको सपोर्ट का ऐलान किया नहीं देखिए ऐसा है कि त्रिपुरा मेघालय और नागालैंड इन तीनों स्थानों पर जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो बहुत ही अभूतपूर्व हैं और बड़ी मात्रा में स्थानीय लोगों ने अपने आशीर्वाद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है अभी यह समझने की आवश्यकता है कि जो नागालैंड से खबर आ रही है कोई भी व्यक्ति कोई भी जन नेता किसी पार्टी में तब तक रहता है जब उसको वहां सम्मान मिलता है जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जो एक व्यक्ति की पार्टी है आमतौर पे सामान्यतः क्या होता है कि पार्टियों में विचार होता है लेकिन जदयू एक ऐसी पार्टी है जहां कोई विचार नहीं है एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के दोहरे मापदंड के बारे में आपको क्या बताना ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस साहब को ठगा शरद यादव जी को ठगा दिग्विजय सिंह जी को ठगा जया जेटली जी को ठगा जिनका ठगने का इतिहास रहा है और बिहार में ठगबंधन चला रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति बिहार के बाहर नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड का ना कोई आधार है ना कोई अस्तित्व निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नागालैंड की इस घटना के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार जो कि एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के साथ राजनीति कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब पाल के रखा उन्होंने उनका ये ख्वाब ध्वस्त होता दिख रहा है बिहार के बाहर कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ना नहीं चाहता है आपके यूटर्न से आपके दोहरे मापदंड से आपके हिपोक्रेसी से वो अवगत है इसलिए यह निर्णय बहुत ही स्वाभाविक है और हमें लगता है कि लोकतंत्र में और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई भी व्यक्ति जहां भी जाना चाहे उसका स्वागत है तो जनता यूनाइटेड के अकेले विधायक थे उन्होंने निर्णय लिया है तो हम आश्वस्त हैं कि विधिवत संवैधानिक विश्लेषण के बाद ही लिया होगा